सारे महाजराई जो कि नजर आ रही है वाजे, इसके नतीजे में जनवरी तक कुछ बड़ा होता नजर आता है, क्योंकि दोनों तरफ से दावे हैं कि जनवरी से पहले बहुत कुछ हो जाएगा, या ठंड प्रोग्राम है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। उसकी वजह ये कि नवाज़ शरीफ साहब मरियम बीबी जिस हद तक जा चुके हैं, उसके बाद ये तारड़ साहब को भी पता है कि कुछ बड़ा नहीं होगा, कोई डायलॉग शायलॉग नहीं होना, सब ऐसी बातें रह जाएंगी बस। ये मामला मेरा अपना ख्याल, क्योंकि आज खुद मरियम बीबी ने कह दिया ना कि अगला साल इंतखाबात का है। हाँ, असल में जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आती ऑन बोर्ड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है बैलेंस ऑफ पावर, इसके पास उनके पास है ताकत का तवाज़ुन, वो जिधर जाएगी उधर मामला जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक बिल्कुल तैयार नहीं है शरीफ ख़ानदान के साथ खड़ा होने के लिए और इनको एक नई पॉलिटिकल लाइफ लाइन देने के लिए। फाइनल वर्ड देने, तैयार नहीं है। तारड़ साहब, आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी उधर जा रही है? उधर देखिए, हुकूमत बहुत वीक फुटिंग पे है क्योंकि मईशत बहुत कमज़ोर है, कारकर्दगी है नहीं, पीडीएम की जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, और देखिए आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। ये मेरी अपनी राय है, मगर ये ज्यादा देर निकालते मुझे नजर नहीं आ रहा। ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक अपना कॉमेंट करना चाहूँगा। जल्दी जवाब। मुझे नून और शीम नहीं, मुझे मुस्लिम लीग नून से बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत करते हैं और इनके इस बयानी के खिलाफ खड़े होके, मुझे मुस्लिम लीग नून टूटती हुई नजर आ रही है। मेरा जाती तजिया है एज अ पोलिटिकल वर्कर, जो ग्रास रूट पे नीचे इनके वर्कर्स हैं वो इनकी बिल्कुल जो नैरेटिव है उसको नहीं बाय कर रहे, लिहाजा मुझे बहुत सारे लोग नून लीग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी, चाहे मीम और चीन इकट्ठे हो जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करते हैं ब्रेक के बाद।